hello everyone welcome to my channel harman study vlog so this is continue lecture on urine analysis in previous lecture we discussed all the parameters in brief about physical examination of urine so in today's video we do chemical examination of urine so let's start chemical examination of urine so abnormal constituents of urine ग्लूकोज प्रोटीन किटोन बॉडीज बाइल साल्ट बाइल पिगमेंट यूरोबिलिनोजन ब्लड सो दीज आर द अब नॉर्मल ऑफ यूरिन सो नॉर्मल यूरिन में जो जी अब नॉर्मल होते हैं यूरिन के वो नॉर्मली एक्सक्रीट नहीं होते बट अगर ये यूरिन में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है या फिर आपकी किडनी डैमेज हो रही है सो so, इन कंस्ट्रूटमेंट्स को यूरिन में चेक करने के लिए कि अगर प्रेजेंट है कि नहीं है सो so हम क्या करते हैं केमिकल एग्जामिनेशन करते हैं यूरिन की देन नेक्स्ट इज केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन

यूरिन सैंपल। सो जो ग्लूकोज यूरिन टेस्ट है वो मेज़र करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ ग्लूकोज उस यूरिन सैंपल में प्रेजेंट है आल ग्लूकोज फिल्टर्ड बाय द ग्लोमेरोली एंड रीअबॉर्ब बाय द रेनल टेब्यूल्स आर रिटर्न इन टू द सर्कुलेशन सो हमारे ब्लड में जितना भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है वो किडनी का जो ग्लोमरस होता है वहाँ से फिल्टर हो जाता है फिल्टर होने के बाद जो किडनी का प्रॉक्सिमल रेनल टिब्यूल्स है वो हमारे ग्लूकोज को रीअब्जॉर्ब करके वापस सर्कुलेशन में बेच देता है नॉर्मली स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इज एस्क्रेटेड इन यूरिन विच इज़ अनडिटेक्टेबल बाय केमिकल मैथड तो इस प्रोसेस में बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ जो ग्लूकोस है वो यूरिन के थ्रू एक, एक्सक्रीट होता है बट वो अनडिटेक्टेबल होता है बाई केमिकल मैथड द नेक्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ कैमिकली डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन इज नॉन एज ग्लैको यूरिया सो जो हमारे यूरिन में अगर ज़्यादा ग्लूकोस आ जाए तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं ग्लैको यूरिया सो जो प्रेजेंस है डिटेक्टेबल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज यूरिन में आ रही है वो हम केमिकली uh, उसको डिटेक्टेबल भी कर सकते हैं और अगर वो ज्यादा आ रही है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं ग्लाइको यूरिया द प्लाज्मा ग्लूकोज कंसेंट्रेशन अबव विच सिग्निफिकेंट ग्लाइको यूरिया अकर्स इज कोल्ड द रेनल थ्रेशोल्ड फॉर ग्लूकोज नॉर्मल थ्रेशोल्ड वैल्यू इज 180 मिलीग्राम पर डीएल सो so, हमारे प्लाज्मा में जो ग्लूकोज की थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है वो होती है वन एट्टी मिलीग्राम पर डी एल अगर प्लाज्मा में ग्लूकोज की जो कंसनट्रेशन है वो वन एटी मिलीग्राम पर डी एल से ज़्यादा हो जाती है तो ग्लूकोज किडनी के थ्रू यूरिन में आनी स्टार्ट हो जाती है द नेक्स्ट इज कॉज ऑफ ग्लाइको यूरिया सो ग्लाइको यूरिया के कारण क्या है द फर्स्ट इज लीवर डिजीज लीवर डिजीज़ के कारण ग्लाइको यूरिया हो जाता है पैनक्रेटिक डिजीज डायबिटीज़ विद हाइपाग्लाइसीमिया फोर्थ इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर सो दीज आर द कॉजिज ऑफ ग्लाइको यूरिया दे नेक्स्ट इज डेटर्मिनेशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरीन सो हम कैसे डिटर्माइन कर पाते हैं कि ग्लूकोज यूरिन में प्रेजेंट है कि नहीं सो बेनेडिक क्वालिटेटिव टेस्ट फर्स्ट इज प्रिंसिपल वेन बेनेडिक क्वालिटेटिव रिएजेंस इज हीटेड विद एट ड्रॉप्स ऑफ यूरीन ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन रिड्यूसिस कुपरिकाइंस प्रेजेंट इन द रिएजेंट टू कुपरस आयंस सो जब हम बैनिडिक क्वालिटेटिव रिएजेंट हीट करते हैं विद एट ड्रॉप्स ऑफ यूरिन के साथ सर so जो ग्लूकोज प्रेजेंट है यूरिन में वो रिड्यूसिस रिड्यूसिस करता है जो कुपरिक आयंस प्रेजेंट है रिएजेंट में टू कुप्रस आयंस में सो so, जो ऑरिजिनल कलर है बैनेडिक रिएजेंट का वो क्या होता है ब्ल्यू द ऑरिजिनल कलर ऑफ बैनिटिक रिएजेंट इज़ ब्लू इट चेंजिस टू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड अकॉर्डिंग टू द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट इन यूरिन सो ये कलर चेंज करता है अगर जितनी क्वान्टिटी ऑफ यूरिन क्वान्टिटी ऑफ ग्लूकोज मतलब जितनी क्वान्टिटी ऑफ कंसेंट्रेशन जो ग्लूकोज की यूरिन में प्रेजेंट होगी उसके अकॉर्डिंग उसका कलर चेंज होता जाएगा सो so, उसका जो बैंडिटिक uh, का कलर होता होता है ब्लू वो चेंज होता जाएगा ग्रीन येलो ऑरेंज एंड रेड देस्ट इज रिक्वायरमेंट्स बैंडिटिक री एजेंट ग्लास टेज ट्यूब टेस्ट ट्यूब होल्डर बंसन बर्नर ड्रॉपर पिपिट देन यूरिन सैम्पल देन नेक्स्ट इज प्रोसीजर पिपिट फाइव पॉइंट जीरो एम एल फाइव पॉइंट जीरो एम एल ऑफ बैंडेडिक रिएजेंट इ टेस्ट ट्यूब सो एक टेस्ट ट्यूब ली उसमें फाइव पॉइंट जीरो एम एल बैंडिडिक रिएजेंट हमने पिपट आउट कर दिया बाई यूजिंग पास्टर पिपट एड एट ड्रॉप्स ऑफ यूरिन सो पास्टर पिपट को यूज करके हमने उसमें एट ड्रॉप ऑफ यूरिन को ऐड कर दिया हीट केयरफुली ऑन द फ्लेम

वाटर uh, ले लिया टैप वाटर ले लिया उसमें थोड़ी देर उसको प्लेस कर दिया जिससे कि वो कूल cool हो जाए देन हमने उस रिएजेंट का जो है वो कलर ऑब्जर्व करना है देन इस इमेज के थ्रू हम इसको एक बार uh, फिर इस मैथड को डिस्कस करते हैं सो ग्लूकोस है, so, है जहाँ पे वो एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है जो ग्लूकोस है वो एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस होता है सो so, ऑक्सीजन वो ऑक्सीजन को क्या करता है रिड्यूस करता है जब हम यूरिन को बैंडडिक सोल्यूशन में ऐड करते हैं देन जब बॉइल करते हैं तो यूरिन में जो ग्लूकोज प्रेजेंट है वो क्या करता है कॉपर सल्फेट को रिड्यूस करने लगता है देन ऑक्सीजन कॉपर सल्फेट में क्या होते हैं ऑक्सीजन के फोर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं सो so, ग्लूकोज क्या एक रिड्यूसिंग सब्सटेंस है ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है सो so, ग्लूकोज इस ऑक्सीजन को रिड्यूस करके कॉपर सल्फेट को कॉपरस ऑक्साइड में कन्वर्ट करता है कन्वर्ट होने के बाद मीडियम का जो कलर है वो क्या होता है स्काई ब्लू होता है देन चेंज होकर जो कलर चेंज होने के बाद जो रिजल्ट आएगा मतलब जो कलर uh, चेंज होते हैं वो कैसे होते हैं इनके ब्ल्यू देन ग्रीन देन येलो देन ऑरेंज देन लास्ट ब्रिक रेड सो इसी अकॉर्डिंग इनके जब रिजल्ट आता है देन इसी अकॉर्डिंग इनके uh, जितने ग्लूकोज की कंसेंट्रेशन यूरिन में प्रेजेंट होती है उसी अकॉर्डिंग इनका जो कलर है वो चेंज होता रहता है देन कलर चेंज होने के बाद जो इनका रिजल्ट आता है उसको हम ग्रेड्स में रिपोर्ट करते हैं जैसे अगर कोई कलर चेंज नहीं है देन ग्लूकोज क्या एब्सेंट ग्रीन एंड स्लाइट येलो कलर है देन ट्रेस क्लाउडी ग्रीन आ गया वन पॉजिटिव येलो टू पॉजिटिव दैन ऑरेंज थ्री पॉजिटिव देन रेड प्रेसिपटेड लास्ट में आ गया तो देन फोर पॉजिटिव सो की इसकी जो रिपोर्टिंग uh, है वो क्या करते हैं हम ग्रेड्स के थ्रू करते हैं दैन नेक्स्ट एक मल्टी स्ट्रिक्स रिएजेंट स्ट्रिप जो इसका सेकेंड मैथड है जो हम स्ट्रिप के थ्रू कैसे हम uh, जो ग्लूकोज की कंसनट्रेशन है वो यूरिन से हम कन्फर्म करते हैं सो so, जो ये uh, स्ट्रिप्स मेथड है इसके थ्रू हम फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए भी यूज करते हैं और केमिकल एग्जामिनेशन के भी लिए सो ये स्ट्रिप्स है ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैंड बने होते हैं इन स्ट्रिप्स के ऊपर सो so इन बैंड्स पर क्या है रिएजेंट कोटेड रहते हैं हर एक स्पेसिफिक टेस्ट uh, के लिए अलग रिएजेंट कोटेड रहता है इन बैंड्स पर प्रोटीन के लिए अलग रिएजेंट कोटेड होता है और ग्लूकेज के लिए अलग रिएजेंट कोटेड होता है सो जब हम इन स्ट्रिप्स को यूरिन में डिप करते हैं तो यूरिन में जो कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंट होगा चाहे वो ग्लूकोस हो प्रोटीन हो किटोन बॉडीज हो वो स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगा जो कोटेड है उस बैंड पर रिएक्ट करके केमिकल रिएक्शन होगा और फिर कलर चेंज होगा कलर चेंज होने के बाद आप देख सकते हैं जो इमेज बनी हुई है बॉटल की में एक कलर चार्ट बना हुआ है तो स्ट्रिप में जो कलर चेंज होगा उस जो बॉटल में कलर चार्ट है बना हुआ है हम उसके साथ मैच करेंगे कि उस स्ट्रिप में कितना कलर डेवलप हुआ है जितना ज़्यादा यूरिन में कॉन्स्टिट्यूट प्रेजेंट होगा उतना ही कलर डेवलप होगा सो तो इसके थ्रू जो स्ट्रिप मेथड है इसके थ्रू जो रिजल्ट है वो बहुत जल्दी हमें मिल जाता है सो तो प्रोसीजर डिप स्ट्रिप इन यूरिन सैंपल सो एक यूरिन सैंपल है हमने जो स्ट्रिप है उसको डिप किया क्यक्ली रिमूव टेसिव फ्रॉम द सैम्पल दैन क्यूकली रिमूव कर लिया सैम्पल uh, को uh, जो टेस्ट स्ट्रिप है सैम्पल में से ड्रैग द एज ऑफ द स्ट्रिप अंगेंस्ट द साइड ऑफ द कंटेनर रिम टू रिमूव एक्सिस यूरन सो ड्रैग किया उसका जो कॉर्नर है उसको थोड़ा सा uh, जो कंटेनर है उसके साइड से थोड़ा सा क्लीन कर दिया ताकि अगर उसके ऊपर ज़्यादा कोई एक्सेसिव यूरिन रह गए तो वो क्लीन uh, हो जाए देन प्लीज टेस्ट स्ट्रिप ऑन टू द स्ट्रिप ब्लॉडिंग एरिया ऑफ द एनालाइज़र सो so, जो हमें जो कंटेनर मिलता है तो हम उसके साथ उसको मैचिंग कर लेते हैं कि वो ग्लूकोज की या किसी प्रोटीन की जब मतलब कुछ भी हम कंस्टिट्यूटमेंट हम चेक कर रहे हैं तो उसकी कितनी कंसेंट्रेशन प्रेजेंट है जैसे हम ग्लूकोज के बारे में बात कर रहे हैं तो हम उसको चेक करेंगे कि कितना कलर चेंज हुआ है और उस पेशेंट की यूरिन सैंपल में कितनी कंसेंट्रेशन uh, ग्लूकोज की प्रेजेंट है द नेक्स्ट इज़ वेअर शुड रिएजेंट स्टिप भी स्टोर हमें कहाँ स्टोर करनी चाहिए इन uh, जो स्टिप्स होती हैं द स्टिप्स शुड बी स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस एट अ टेम्परेचर बटवीन टू डिग्री सेल्सियस टू थर्टी डिग्री सेल्सियस सो जो रिएजेंट स्टिप्स होती है इनको so, हम ड्राई प्लेस पे स्टोर करके रखना चाहिए और उसका टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस टू थ्री थर्टी डिग्री सेल्सियस होना चाहिए डोंट स्टोर द स्टिप्स इन अ रेफ्रिजरेटर एंड कीप दैम अवे फ्राम डरेक्ट सनलाइट सो so, हमें इसको रेफ्रिजरेटर में भी नहीं स्टोर करके रखना चाहिए और ना ही इसको डायरेक्ट सनलाइट में रखना चाहिए डो नॉट टच द रिएजेंट एरिया ऑफ द स्ट्रिप सो जो स्ट्रिप्स हैं उस पर जो बैंड्स बने होते हैं जिसके थ्रू तो हमने टेस्टिंग करनी है उसको हमें हैंड से टच नहीं करना चाहिए द नेक्स्ट इज बेनिफिट्स द मल्टी स्ट्रिक्स टेन एस टी रिएजेंट स्ट्रिप इज अ रिलायबल फ्रंट लाइन टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ अ ब्रॉड रेंज ऑफ कंडीशंस फ्राम डिटेक्टिंग यूनरी ट्रैक इन्फेक्शन टू डायबिटीज एंड किडनी डिसऑर्डर इट रिक्वायर लेस यूरिन एंड ईजी टू परफॉर्म सो जो ये रिजेंट स्टिप्स हैं ये रिलायबल फ्रंटलाइन टेस्ट है जो कि डिटेक्ट करते हैं ब्रॉड रेंज ऑफ कंडीशंस को फ्राम ये यूटीआई की प्रॉब्लम डायबिटीज किडनी डिसऑर्डर हम इनके लिए ये स्ट्रिप्स मैथड यूज करते हैं और इसमें लेस यूरिन यूज़ होता है ईजी टू परफॉर्म होते हैं और इसके लिए हमें ना ही सेंट्रीफ्यूज करने की इसको ज़रूरत पड़ती है यूरिन uh, को तो ईजिली ये परफॉर्म हो जाता है सो दिस इज़ आल अबाउट द दिस इज़ ऑल अबाउट नो दिस इज़ अबाउट द केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ ओनली शुगर केमिकल एग्जामिनेशन ऑफ ग्लूकोज इन यूरिन सो इन आने वाली वीडियोस में हम जो इसके होर अब नॉर्मल कंस्ट्यूटमेंट्स हैं यूरिन के उनकी और डिस्कशन करेंगे जो इसके और प्रोटीन है किटॉन बॉडीज बाल साल बाल पिगमे यूरोबिलीनजन सो आने वाली वीडियोस में हम इनके और जो यूरिन में अब नॉर्मल प्रेजेंट होते हैं इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे सो थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग